माननीय सभापति जी, अभी हाल ही में तीन माननीय सदस्य सदन के रिटायर हुए हैं। हालांकि उनमें से एक सदस्य फिर से वापस इलेक्ट होकर आ गए हैं, नॉमिनेट होकर आ गए हैं, लेकिन तीन में से खास तौर से जो मिस्टर पी राजीव जो इस हाउस के सदस्य थे, तो वो बिल्कुल हमारे पड़ोसी थे, हमारे पीछे ही वाली सीट पे वो बैठते थे। और मैंने ये महसूस किया है कि वो हाउस में ज़्यादातर प्रेजेंट रहे, वो एब्सेंट बहुत कम रहे हैं, और पूरी तैयारी के साथ वो अपनी बात रखते थे। और ख़ास तौर से रूल्स के बारे में तो थोड़ा सा चेयर को भी तकलीफ होती थी, तो लेकिन रूल्स को वो डिफाइन करने के मामले में, एक्सप्लेन करने के मामले में, तो वो आपको बहुत खुशी भी होती थी, लेकिन आप लोग अंदर अंदर से डिस्टर्ब भी बहुत होते थे। तो लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इससे जो हम माननीय सदस्य थे पी राजीव, तो उससे ये पूरा एहसास होता है कि पूरी तैयारी करके आते थे, और ख़ास तौर से देश और जनहित के मुद्दों को वो बहुत ही जुझारू तरीके से, बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ वो उठाते थे। तो मैं उनकी पार्टी के जो हेड हैं, ख़ास तौर से मिस्टर याचुरी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और जैसे विपक्ष के माननीय नेता ने अभी उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे कर्मठ और काबिल जो सदस्य हैं उनको दोबारा से वो अपने इस हाउस के अंदर लेकर आए, तो ऐसी मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। तो इन्हीं लफ्जों के बाद में अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। फॉर मोर देन वन गुड रीजन वी विल मिस मिस्टर पी राजीव। हिज डिपार्चर मेक्स आवर जॉब इजियर, because whoever was in government, he used to keep them on their toes. Every day he was ready with one point or the other.